चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, उसके बाद एच आर ई एफ लिखता हूँ, उसके बाद इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग जिस पेज के साथ हम लोग लिंक करना चाहते हैं या जिस भी वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हैं उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे हम लोग देंगे। उसके बाद इसको बंद करेंगे और यहाँ पे जो मैं डिस्प्ले जो आप भी डिस्प्ले कराना, जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ क्लिक हेयर टू गो यूट्यूब पेज, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है कि ये आपका दिखाएगा और इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा उसमें वो हम लोग को लेके जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं YouTube का जो लिंक है वो पेस्ट कर देता हूँ। देखिए http://www.youtube.com, इसको हम लोग यहाँ जाते हैं और फिर इसको हम लोग रन करते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जो हम लोगों ने टैक्स यहाँ लिखा था, ये टैक्स कुछ भी लिखिए आप चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट YouTube भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, YouTube दिखाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग लिखते हैं वो डिस्प्ले होने के लिए यहाँ पे वो सिर्फ दिखाएगा जो भी लिखेंगे हम लोग, और मेन होता है ये लिंक। अब इसको हम लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ ले जा रहा हम लोग को, YouTube वाला पेज में हम लोग को ले जा रहा, ठीक है। उसी तरह से अब इसमें बहुत सारा एट्रीब्यूट आता है। एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट, टारगेट लिख के इक्वल टू अगर हम लोग लिख देंगे, टारगेट का स्पेलिंग गलती लिख रहे हैं हम लोग, टारगेट लिख के इक्वल टू लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके BLAN के ब्लैंक लिख देंगे तो देखिए ये अभी हम लोग को कहाँ लेके जा रहा है, देखिए इसी पेज में ये डिस्प्ले हो रहा है ना। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं ताकि वो जो हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा टारगेट एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया है उससे बेनिफिट क्या होता है वो जानने के लिए। अभी इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कहाँ लेके जा रहा है हम लोग को, ये दूसरा टैब में, ठीक है, ये अनदर टैब में ओपन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें ये जो हमारा पेज था ये यहाँ पे नहीं ओपन होके ये दूसरा पेज में ओपन हो, ठीक है। अब अगर सोचिए कि आप कुछ वेब पेज बना रहे हैं और अपना खुद का एक पेज के साथ दूसरा पेज के साथ, मतलब एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है लिंक नाम का और इसके अंदर में मैंने एक पेज रखा है होम पेज। अब मैं जाता हूं और यहां से एक पेज और क्रिएट कर लेता हूं और इस पेज का नाम मैं रख देता हूं page1.html और इसको मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। इसको हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। ये हमारा होम पेज है, ये जानने के लिए हम लोग एक काम करते हैं H1 से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग का कि ये हमारा होम पेज है, ठीक है। और ये हमारा page1। अब देखिए होम पेज में हम जाते हैं, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ये एक एक चीज याद रखेगा कि ये दोनों पेज जो है एक ही फोल्डर में, ठीक है। जब एक ही फोल्डर में दोनों पेज है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट पेज का नाम लिखना है। जैसे इस वक्त हम लोग HTML home.html में और हम लोग को कहाँ जाना है page1.html में, तो आप इसके अंदर में लिख दीजिए page1.html, ठीक है। मतलब आपको जिस भी पेज में जाना है उस पेज का नाम लिखना है, मगर शर्त ये है कि ये सेम फोल्डर में ही वो सारे पेजेस होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए पेज जो है दोनों एक ही फोल्डर में,
उसके बाद यहाँ पे आप जो भी लिखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ पेज वन, यहाँ आगे लिख देता हूँ गो टू पेज वन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम डॉट एच टी एम एल, ताकि दोबारा गो बैक टू होम पेज। ठीक है, अब चलिए इसको फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए होम पेज में हम लोग, और यहाँ पे दिखा रहा है गो टू पेज वन, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए कहाँ जा रहा है, पेज वन में जा रहा है। और नीचे में क्या दिखा रहा है, गो टू पे गो बैक टू होम पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा हम लोग को होम पेज में लेके आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया रहता, फोल्डर का नाम पेज दे देता हूँ, और ये पेज अगर इस फोल्डर के अंदर होता, ठीक है, तो अब अगर हम लोग जाएंगे इसको रिफ्रेश करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो देखिए क्या दिखा रहा है, योर फाइल वॉज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ कि ये दोनों जो है लिंक नाम का, तभी क्या था, लिंक नाम का फोल्डर में ही पेज डॉट एच टी एम एल और होम डॉट एच टी एम एल था, बस इस वक्त क्या है लिंक के अंदर में होम डॉट एच टी एम एल है और एक फोल्डर है पेज, उसके अंदर में फिर जो पेज वाला जो हम लोग बनाए थे पेज वन डॉट एच टी एम एल, इसके अंदर में है। इस तरह अगर आपको लिंक करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोल्डर का नाम पेज, ये जो है ये हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, होम डॉट एच टी एम एल में। तो होम डॉट एच टी एम एल में हम लोग बताना चाहते हैं कि जो हमारा पेज है वो कहाँ पे है, पेज वन डॉट एच टी एम एल कहाँ पे है, पेज नाम का फोल्डर में है। ठीक है, ये आपका गया पेज, और इसके अंदर में हमारा पेज का नाम था पेज वन डॉट एच टी एम एल, तो हम लोगों ने लिखा पेज वन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब हम इसको अगर रन करेंगे, अब क्लिक करिए तो देखिए हम लोग को पेज वन में लेके जा रहा है। बट अब यहाँ पे जो ये लिंक किया हुआ था हम लोगों ने गो बैक टू द होम पेज, यहाँ क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह से ये भी बोलेगा कि फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि अब जो ये जो फाइल है ये कहाँ पे है, ये आपका पेज नाम का फोल्डर में है, और पेज नाम का फोल्डर में कोई भी होम डॉट एच टी एम एल नाम का पेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे और यहाँ पे अगर हम लोग स्लैश लिखते हैं तो यहाँ पे क्या फोल्डर का नाम देंगे, यहाँ कोई भी फोल्डर का नाम देंगे तो वो सर्च कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका लिंक नाम का फोल्डर है ना, तो लिंक नाम का फोल्डर अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं एल आई एन के लिंक, ठीक है, और उसके बाद जाके फिर आप जाइए यहाँ पे और इसको रन करिए और क्लिक करिए तो देखिए खोज पा रहा है, नहीं खोज पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक स्लैश देना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग को डॉट डॉट देना पड़ेगा, और उसके बाद अब जाइए और इसको रिफ्रेश करिए, अब यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए यहीं से हम लोग जाते हैं लिंक होम डॉट एच टी एम एल, इसको यहाँ से हम लोग खोलते हैं। अच्छा एक मिनट, देखिए फोल्डर का नाम भी देने का दरकार नहीं है, सिर्फ आप डॉट डॉट दे दीजिएगा और स्लैश देने के बाद में जो फाइल नेम है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ये चीज को यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर से समझिए। देखिए यहाँ पे ये जो पेज है हमारा पेज वन जो है वो लिंक नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर में पेज नाम का एक फोल्डर था और उसके अंदर में पेज वन डॉट एस टी एम एल नाम का फोल्डर था, इसीलिए यहाँ पे ये काम कर रहा था। देखिए पेज, क्योंकि ये लिंक नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर हम लोग का क्या पेज था, होम पेज था, देखिए होम पेज था, है ना। उसके बाद यहाँ पे पेज है और पेज के अंदर में हम लोग का पेज वन डॉट एच टी एम एल था,
मगर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि पेज वन के अंदर में कोई फोल्डर नहीं है। अब पेज वन के अंदर में नहीं home.html का पेज है, वो कहाँ है, इसके बाहर में है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन रहेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डॉट डॉट देके स्लैश देके उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, सॉरी उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक सिचुएशन आ सकता है दोस्तों आप लोगों के सामने। अब मान लीजिए कि यहाँ पे और एक फोल्डर अगर रहता, इसका नाम मैं लिख देता हूँ होम, और ये जो होम पेज है ये होम पेज इसके अंदर रहता, तो अब देखिए दो फोल्डर है, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग जाएंगे और इसको जब एडिट विथ नोटपैड में जाएंगे करेंगे तो देखिए ये होम पेज जो है, अब यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये ठीक है पेज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लैश देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डॉट डॉट देना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। और उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने तभी फाइल नाम दिया था, मगर अब फाइल नाम के साथ में उस फोल्डर का नाम भी देना पड़ेगा होम, तभी ये काम करेगा। देखिए यहाँ जाते हैं हम लोग प्रोमो में, अब इसको क्लिक करिए, प्रॉब्लम है एक मिनट में देख लेता हूँ। डॉट डॉट स्लैश होम डॉट एस टी एम एल, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्लैश नहीं दिया, ठीक है। अब सेव करिए और उसके बाद इसको रन करिए, अब क्लिक करिए, देखिए ठीक जा रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए ठीक है।